नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू चौधरी ब्लॉग्स में। और मैं हूँ नताशा। आज की वीडियो जो है वो एक रिएक्शन वीडियो है, आप इसको रिएक्शन भी नहीं कह सकते और इसको इंफॉर्मेटिव वीडियो बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि यूट्यूब के कुछ न्यूज मैं आपको देने जा रही हूँ। अच्छा, मैं इस पर काफी टाइम से बात करना चाहती थी। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी रुचि के सपोर्ट में, तब मुझे वो सही लगी थी। दूसरी मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई जो मैंने वीडियो बनाई थी उनके सपोर्ट में, मैं वहां पर गलत साबित हुई और उसके लिए मैंने माफी मांग ली थी। दरअसल पूरे मामले को मैं फिर दोबारा से रिपीट करती हूँ, साथ में बताती हूँ कि मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है और क्या ये सब नाटक है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जितना मुझे अब तक का पता चला है, पता किया है मैंने, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि निधि के करियर के बारे में, रुचि के करियर के बारे में। निधि इसलिए याद आ रही है क्योंकि वो बहुत कांड कर रही है ना, बट मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहती अभी। तो रुचि के करियर के बारे में, उन्होंने अपना यूट्यूब करियर कुछ टाइम पहले शुरू किया था और काफी लोग उन्हें जानते हैं। वो ब्लॉगिंग करती है, ब्लॉगिंग भी करती है, अदर वीडियोस भी बनाती है। उनके आई थिंक 3 या 4 चैनल है, तो काफी लोग उनको जानते हैं। और उन्होंने अपना जो यूट्यूब करियर है बिना किसी के हेल्प से और काफी अच्छे से उन्होंने खड़ा किया है। बहुत ज्यादा वो मेहनत करती है और उसी मेहनत के बलबूते पर आज लोग उन्हें जानते हैं। वो अच्छा खासा अर्निंग कर रही है, बट उनकी जो लाइफ है यानी कि पर्सनल लाइफ, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है जो कि उन्होंने शेयर किया है। उनकी लाइफ में काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अब वो जो है, जो गुब्बार होता है वो फूट चुका है। काफी टाइम से वो शेयर करे जा रही है कि मैं तलाक ले रही हूँ, तलाक ले रही हूँ। बीच में उन्होंने बोला तलाक ले रही हूँ, फिर वो सारी वीडियोज हाइड कर दी गई है और गई थी और फिर बोल दिया था कि भाई मेरे हस्बैंड को कुछ ना कहो, ये है वो है, सब कुछ सही हो गया। तो लोगों को जिनको उन पर ट्रस्ट था ना, वो भी उनका ट्रस्ट टूट गया और उनको लगा कि ये नाटक कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिनसे लोगों को लगता है कि जो ब्लॉगर्स है ना, ये ही नहीं बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो कुछ करते हैं कंटेंट के लिए करते हैं। और यूट्यूब की ये एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हो ना, तब भी लोगों को उसके अंदर मसाला चाहिए, नॉर्मल कुछ नहीं देखना चाहते। अगर हम भी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो लोग नहीं आएंगे, थंबनेल टाइटल गलत लगा देंगे ना, कुछ भी, या तो गंदा लगा देंगे कि किसी को कुछ कर रहे हैं, या फिर सैड लगा देंगे, रोना धोना लगा देंगे, तो लोग आएंगे देखने के लिए, नॉर्मल चीजें नहीं देखते हैं क्योंकि नॉर्मल लाइफ में यार किसको इंटरेस्ट होगा। तो सच्चाई यही है यूट्यूब की कि जो ब्लॉगिंग होती है वो रियल लाइफ नहीं होती, रियल लाइफ दिखाने वाले ब्लॉगर्स नहीं चलते। यहाँ पर भी कंटेंट क्रिएट किया जाता है और कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ स्टोरीज क्रिएट की जाती है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जो कि अपनी सेट स्टोरी भी पहले उसकी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और वो लोगों के सामने दिखाते हैं, एक पूरी फिल्म की तरह दिखाई जाती है और डेली लाइफ में उनकी यही चलता है। तो व्लॉगिंग व्लॉगिंग नहीं है असलियत में, वो सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार कर करके इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसकी वजह से जो कई लोगों की पोल खुल जाती है और वो उनकी वजह से दूसरों पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे ही इनके साथ में हुआ है क्योंकि इन्होंने भी ब्लॉगिंग करते हुए काफी चीजें ऐसे की है कि लोगों का इनसे ट्रस्ट उठ गया, बट कुछ चीजें बहुत ज्यादा सही निकली है, जैसे कि इनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी वो सही थी, वो बिल्कुल ऐसा होता है। उस चीज से मैं वाकिफ हूँ, बहुत अच्छी तरीके से उस कंडीशन से निकल चुके हैं हमारी फैमिली वाले। और प्रेगनेंसी में जो उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अपनी इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है, उस चीज से मैं अभी गुजर रही हूँ, तो वो बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट हर कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि शेयर करे। बल्कि मैं सोचती हूँ कि मैं शेयर करूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मेरे पास में कोई पॉजिटिव रिजल्ट होगा तब मैं शेयर करूंगी कि मैंने इस चीज को, रिजल्ट को पाने के लिए क्या क्या किया है। अभी से मैं रोने लग जाऊं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जो कि मुझे सही नहीं लगती। तो ये सब चीजें उनके साथ में हुई है। चलिए स्टोरी में थोड़ी सी बता देती हूँ कि क्या चल रहा है। उनके हस्बैंड से उनके डाइवोर्स की बात चली है, जो कि अभी जितना भी देखने में आ रहा है वो सच लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जो कि मैंने देखी थी पूरी। उन्होंने उसमें जो टाइटल था उसका ऐसा ही था, क्योंकि हस्बैंड है तो मुझे धोखा क्यों देगा, समथिंग ऐसा ही था। तो उन्होंने उसमें दावा किया है कि जो वो अर्निंग करती थी, उनके हस्बैंड सब कुछ अपने नाम पे करवा लेते थे, चाहे वो घर हो या कुछ भी हो।
तो इस हिसाब से आज उनके पास कुछ भी नहीं है एक प्लॉट के अलावा, यानी कि जो भी उन्होंने इतने टाइम में कमाया है वो एक्चुअली में जीरो हो जाएगा उनकी लाइफ में, क्योंकि कुछ भी उनका नहीं है। जो उनके हस्बैंड है वो कुछ कमाते नहीं है, हाँ घर में उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये अच्छे खासे कमाए, अच्छा खासा अर्निंग करे, काम करेगी तभी तो अर्निंग करेंगी, इसलिए वो घर में सपोर्ट करते हैं। और लोग उनको देखते भी होंगे वीडियोस में कि काफी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जब भी इसी वजह से उनके जब पहले तलाक की बात चली थी तो लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि यार ये झूठ बोली है कि इसका हस्बैंड इसके साथ काम नहीं कर रहा होता, इसको सपोर्ट नहीं करता, घर में वो काफी ज्यादा काम करता हुआ दिखाई देता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि घर में वो काम करता है, झूठ बोलती है। तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि क्या अगर आपके पास में कम अर्निंग आ रही है, बहुत कम अर्निंग आ रही है, आप एक चीज को लेके चलिए और उसपे हस्बैंड आपके घर का काम तो आपके साथ में करवा रहा है लेकिन वो बाहर कहीं जॉब करने नहीं जा रहा है, वो करना ही नहीं चाहता। एक चीज तो होती है कि मिलती नहीं है लेकिन कोई करना ही नहीं चाहे और लेकिन घर का काम करा दे, तो क्या आप सेटिस्फाइड रहेंगे उस चीज में? नहीं, कोई नहीं रहता है। क्योंकि जब एक इंसान ये देखता है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, बट ये दूसरा इंसान मेहनत करना ही नहीं चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम तो बढ़ती ही है। तो वो चीजें इनके साथ में हुई है, ये इनको ऐसा लगता है कि ये अकेली मेहनत करते हैं, इनके हस्बैंड करना नहीं चाहते, जो कि ये वीडियोस में बता चुकी है, इसलिए इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है, वहां पे ईगो की भी है, क्योंकि एक औरत को बहुत कुछ सुनना पड़ता है जब लोग उनको समाज में बोलते हैं कि तेरा पति कुछ नहीं कर रहा, तू इतना कमा रही है, बहुत सारी चीजें होती है। और आदमी को भी बहुत ज्यादा कुछ सुनना पड़ता है कि तू, तो ये चीजें ना इंसान के अंदर बैठ जाती है और टाइम के साथ गुब्बारा फूटता है। तो ऐसे ही कुछ इनके साथ में हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये फिलहाल सच्ची बोल रही है, डाइवोर्स लेगी, और ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मैं डाइवोर्स हो, मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि भाई जो हस्बैंड है वो थोड़ी इस चीज को समझे, कोशिश करे, हाथ पैर मारे इधर की, मतलब कि कुछ कमाए, अर्निंग करे। सिर्फ घर का काम करना, बच्चे संभालना, इससे कुछ नहीं होता एक्चुअली। बच्चा थोड़ा इतना तो बड़ा हो गया कि वो खुद संभाल सके, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके, और उसको उसकी माँ कहती है जब यूट्यूब एक ऐसी चीज है जिसको घर पे बैठ के कर सकते हैं काम भले ही हो, बट बच्चे के साथ में वो कर सकती है। तो अब उनको अपना काम देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जो वाइफ कमा रही है वो वाइफ के हाथों में छोड़ देना चाहिए ना कि भाई तेरा है तू इस चीज को मैनेज कर, जब वो इतने अच्छी तरीके से अपने घर में सब कुछ मैनेज कर रही है, तो उन चीजों को अपने नाम पे करवाने का या फिर कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए कर दो, तो उन चीजों का कोई चित्त नहीं बैठता है। चीजें शक पैदा करती है एक रिश्ते के बीच में जो कि इनके साथ में हो रहा है। हमें बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो डाइवोर्स ले, क्योंकि डाइवोर्स के बाद क्या होता है, जो बच्चा होता है ना उसकी लाइफ में बहुत बुरा असर पड़ता है। जितना उसको माँ की जरूरत होती है उतना उसको पापा की जरूरत होती है, उसको कुछ पता ही नहीं है यार कि चल क्या रहा है, कि पैसा वगैरह क्या चीजें होती है, उसको सिर्फ ये है कि पापा है, मम्मी है, पैसा क्या चीज है, पैसा किस चीज के लिए काम आ रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई क्यों बज रही है, उसको ये चीज समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जब तक वो ये चीज समझेगा तो उसका दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। तो बच्चे के लिए इंसान को रिश्ते कई बार ऐसा होता है कि संभालने पड़ते हैं। तो मैं यही सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उनकी लाइफ में हाँ स्ट्रगल चल रहा है। अब ये चीज को कोई ऐसा लेगा कि ये कंटेंट है या कुछ है, तो हाँ कंटेंट तो है, क्योंकि वो ये सब चीजें अगर फाइनलाइज्ड हो जाने के बाद में, तलाक के बाद में शेयर करती, क्योंकि वो बोलती कि मेरी फैमिली है मैं सब कुछ शेयर करूंगी, तो उस चीज को ऐसे लिया जाता है कि हाँ बंदी ने दिमाग से काम लिया है, उसने इसको एज अ कॉन्टेंट यूज नहीं किया है, बट अभी वो शेयर कर रही है। कुछ दिनों बाद अगर वो ये कहते कि डाइवोर्स नहीं हुआ, ये हुआ, तो चीजें और ऑब्वियस सी बात है फेक लगेगी, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि वो इस समय कंटेंट के लिए नहीं कर रही है, बट हाँ ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में। क्योंकि आप उस वीडियो को देखेंगे ना, उसको रियलाइज करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि आप समझ पाएंगे मतलब इस चीज को, कि वो एक एक वर्ड जो बोल रही है ना अपनी दिल की बातें बोल रही है, भले ही वो किसी को कॉन्टेंट लगे, भले ही वो उसको कॉन्टेंट की तरह यूज कर रही हो, बट वो अपने दिल की बातें वहां रख रही है उस चीज में, और जो वो रख रही है वो उसके दिल का सच है, उसको जाहिर कर रही है, वो उसके साथ में हो रहा है। लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि एक तरफा या आदमी गलत है या फिर औरत गलत है, गलत उसमें कोई नहीं है, सिर्फ इनके हालात जो हैं वो यहाँ पर गलत हो रहे हैं। और यस
आदमी को बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, एक्चुअली दोनों को कोशिश करनी चाहिए। जब औरत देखती है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई औरत ऐसी है ना कि आदमी बेचारा कम कमा रहा है तो उसका जीना आराम करिए, तुम नहीं कमाते, ये वो, खुद तुम हाथ पैर नहीं मार रहे हो, तुम घर का सिर्फ काम कर रही हो और आदमी के तुम पीछे पड़ जाओ कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तो वो औरत भी गलत है। और वो आदमी जो हाथ पैर ही ना मार रहा हो और औरत इतनी कोशिश कर रही है तो आदमी भी गलत है। तो दोनों, अगर औरत गलत हो सकती है तो आदमी भी हो सकता है, आदमी गलत हो सकता है तो औरत भी हो सकती है। तो उस चीज में किसी को जज हम नहीं कर सकते। और इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि जो भी है उनकी फैमिलीज को फिलहाल उसमें बीच में आना चाहिए और इन सब चीजों को रोकना चाहिए। बट विश यू ऑल द बेस्ट, आप जो भी फैसला ले सोच समझ के ले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।